ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਬਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਏਜੀ ਐਗਰੋਨ ਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਊਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਫੇਮਸ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੰਗਲ ਸਲੰਗੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं साधारण तौर के ऊपर, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है कि जल में सब्जियों की खेती, और ऐसी खेती जो कि हम खेतों में करते हैं उससे भिन्न। तो ये जो खेती है ये दूसरी खेती से भिन्न इस करके है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जी। इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है जी। यानी प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब है प्रिसाइज वे में कोई भी चीज़ जब हम करेंगे तो उसे प्रिसाइज वे में जो पौधे को चाहिए वो हम पानी में डालेंगे, तो इस खेती को हम पानी में करेंगे तभी इसको हाइड्रोपोनिक खेती बोलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मीनिंग ये होता है कि सॉइल इसको रूट जोन में नहीं चाहिए, पानी ही चाहिए। हाँ, जो सॉइल का जो मिट्टी का काम होता है कि एक सपोर्ट देती है जी, जिसमें से वो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करती है, जो हमारे खेती या प्लांट्स न्यूट्रिएंट लेती है, तो हम क्या करते हैं इस केस में हाइड्रोपोनिक्स के केस में पानी में ही सारे के सारे जो उसके रिक्वायरमेंट के जो तत्व हैं वो उसमें डाल देते हैं। ठीक है जी, जितने भी माइक्रो, हाँ चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस पानी में डालते हैं। डॉक्टर साहब, कि हाइड्रोपोनिक ही क्यों? हाँ। क्योंकि ऐसे है डॉक्टर साहब, पंजाब हरियाणा का जितना भी जूथ है वो भी अपनी मिट्टी को छोड़कर फ्लाइंग कर रहा है, जहाँ से जितने भी जहाँ के फार्मर हैं वो भी अपनी मिट्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम एक तो अपनी खेती को पीछे कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक ही क्यों? हाँ, ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही जायज़ प्रश्न है क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का नौजवान है, वो अपने हाथ मिट्टी से गंदा करने से कतराता है, खेती बाड़ी नहीं करना चाहता। तो दूसरी बात ये है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य कारण क्या है? अगर हम जो आपका सवाल है हाइड्रोपोनिक्स की क्यों, वाई जी, सबसे बड़ी बात आज फार्मर फेस कर रहा है, आज का किसान फेस कर रहा है, सिंचाई की समस्या, यानी पानी की उसको बहुत दिक्कत है। ठीक है जी, क्योंकि गर्मियों में करना चाहता है, कई बार पानी की उपलब्धि ये वो सारी कुछ बातें, तो पानी उसको नहीं मिलता है सिंचाई के लिए। लेकिन हमारे केस में हाइड्रोपोनिक्स में लोग ये सोचते हैं जो खेती जल में होगी, जो पानी में होगी, उसको ज्यादा पानी चाहिए। यही सर मेरा भी माइंड में क्वेश्चन बन रहा था कि हम पानी का तो एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे को बहुत लेस सोर्सेस हैं, लेकिन ये वो भी हाइड्रोपोनिक जो है पानी में है, लेकिन इसके ऊपर इसके ऊपर प्रकाश, बहुत साधारण से शब्दों में बोलूँगा, जब आप खेती ज़मीन में करते हैं, अगर किसी खेत में 100 लीटर पानी डालते हैं, सेम खेती अगर वही पानी में करेंगे आप हाइड्रोपोनिक्स में करेंगे, 100 लीटर की बजाय 10% पानी चाहिए, सिर्फ 10 लीटर पानी में उतनी ही खेती, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अरे वाह, यानी 90% जो पानी की आप में हाइड्रोपोनिक्स में वो रिडक्शन आती है।
तो इससे बढ़िया क्यों का जवाब कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पंजाब का, हरियाणा का, नॉर्थ जोन स्पेशली जो इंडिया का है, वहाँ पे इतनी कंडीशन बदतर हो रही है कि हमारे पास पानी का जो वाटर ग्राउंड लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। हम काम कर रहे हैं धान के ऊपर, लेकिन धान को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो हमारे को सब्जी जो है स्पेशली, इसमें जब मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, ये जो पूर्ति होती है, जो होती है सब्जी से, तो सब्जी का जो प्रोडक्शन होती है हाइड्रोपोनिक के तहत होती है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फार्मर को? नहीं, देखिए, अभी जो आपका एक सवाल था जी, वाई हाइड्रोपोनिक्स, एक तो ये है कि 90% पानी में कमी, दूसरा ये है कि वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में, चाहे इसमें दो तीन तरह के आप स्ट्रक्चर बेसिकली बना सकते हैं, टेबल टॉप हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पिरामिड शेप में एक वर्टिकल हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर आता है, या फिर हमारा वर्टिकल फार्मिंग के लिए हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर आता है जिसमें आप क्यूकुम्बर टमाटर वगैरह उगा सकते हैं, या वाल माउंटेड हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, चाहिए पाइप में बना लीजिए, टाई टेबल टॉप में बना, कोई भी स्ट्रक्चर हाइड्रोपोनिक्स में लिए, प्रोवाइडेड उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, कैन बी यूज फॉर हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। इसमें जैसे हम खेती करते हैं तो बार बार हम कभी ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, तो इस केस में बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, कल्चर प्रैक्टिसेस नहीं पड़ेंगी, जुताई नहीं करनी पड़ेगी, वीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, सॉयल बॉर्न इंसेक्ट पेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो इनपुट कई तरह की जो हमारी प्रैक्टिसेस जिसके ऊपर हम हर टाइम पे लेबर को खेतों में लगाते रहते हैं कि आज बीडिंग करनी है, आज पानी देना है, ये करना है, वो करना है, उन सब चीज़ों से छुटकारा, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी में रहेंगी, हर वक्त पानी में रहेंगी, तो पानी क्यों देना। सबसे बड़ी समस्या आज ही हमें पानी नहीं मिला, आज पानी देना था, ये था वो था, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति। अरे वाह, इतनी अच्छी टेक्निक जो हाइड्रोपोनिक का, जिसका इसको नाम दिया हुआ है, इसके बीच में डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके लिए इनपुट कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू अनदर प्रैक्टिसेस जो होती है ओपन फील्ड में, उसके कंपेयर बोल सकते हैं कि 90% कम है। नहीं नहीं नहीं, इनपुट कॉस्ट नहीं, हाँ वो उसमें सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट थी 90% कम। इनपुट एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है दैट इज वन टाइम, ठीक है, जो कुछ भी होगी, मान लिया आपने पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक्स लगाना है तो एक बार ही बनाना पड़ेगा वो, उसके बाद पानी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या कंसर्न क्रॉप के बीज चाहिए जो आपने लगाने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेजर क्रॉप्स लगती हैं, एक तो लीफी वेजिटेबल्स में कोई भी लगा लो आप जी, है ना, मेन इसका जो क्रॉप रहती है लीफी वेजिटेबल्स में, सैलेड क्रॉप में लेट्यूस, लीफी लेटस होता है, हेड लेटस होता है, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं इसके अंदर, तो वो लगा सकते हैं। जितना छोटा ड्यूरेशन रहता है क्रॉप का, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होता है। ठीक है, मतलब स्मॉल जो साइकिल वाली क्रॉप हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसको बहुत प्रॉफिटेबल माना गया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, मैं ये एक चीज़ और बता दूं कि डॉक्टर साहब का हाइड्रोपोनिक के ऊपर एक इतना ज़्यादा इनका जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर, इन्होंने बहुत सारी ऐसी वैराइटीज इन्होंने ग्रो कर रखी हैं इसके ऊपर, कि डॉक्टर साहब आपका फार्म भी हम विजिट करवा रहे हैं, फार्मर को देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है इसमें। इसकी डॉक्टर साहब जब हम कहते हैं पैदाइश जब हो जाती है इसकी माल की, कि उसमें से निकल गया आउटपुट, तो उसकी स्पेशल मार्केटिंग होती है या कंज्यूमर को स्पेशल आते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि अभी अवेयरनेस की कमी है, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, लोग तो ये देखते हैं कि कोई भी जब आपका प्रोड्यूस मार्केट में जाते हैं, अवेयर नहीं है, है ना, क्वालिटी अवेयरनेस नहीं है हमारे अभी इधर, बट स्लोली एंड स्टेडली जो है ये सारा जब हम मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, ये आएगा। क्योंकि जब आप प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूस सिंपली देखने से नहीं होता है, उसको कंज्यूम करने से होता है। जिस आदमी ने हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस को एक बार कंज्यूम किया, उसको पता चलेगा कि दोनों में खाने में टेस्ट में क्या अंतर है। जमीन आसमान का टेस्ट का अंतर होता है इसका। मतलब ये है कि जो फील्ड क्रॉप्स हैं उससे कंपेटिबली बेहतरीन स्वाद। अच्छा जी,
है ना, हाँ क्योंकि जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया प्रिसीजन फार्मिंग, वहां पे तो हमें पता नहीं है जमीन में से क्या क्या ले रहा है वो, लेकिन हमने क्या डाला है पानी में वो हमें पता है। हाँ। हमने प्रिसाइजली डाला है हर एक चीज जो पौधे को चाहिए, जो फसल को चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल रहे हैं। इस करके जो फ्रूट की क्वालिटी है, फ्रूट का साइज है, या फिर लीफ का साइज है, लीफ का कलर है, वो बेहतरीन होता है। उसी की वजह से बेहतरीन फसल आती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन बन रहा है, हो सकता है फार्मर के बीच में भी हो, कि जो हाइड्रोपोनिक है क्या हम इसको ओपन फील्ड में कर सकते हैं या प्रोटेक्टिव फील्ड में करना अच्छा रहता है? देखिए, कोई भी क्रॉप अगर प्रोटेक्टेड में वे में की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसे हम हिंदी में बोले थे संरक्षित खेती, है ना। संरक्षित खेती ग्रीन हाउस पॉली हाउस के अंदर की जाती है। एक तो ये है कि हमें आवारा जानवरों से निजात मिलती है, इंसेक्ट पेस्ट से निजात मिलती है, जो इधर उधर के कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं उनसे मतलब छुटकारा मिलता है। जो मौसम की मार पड़ती है, अनफोर्सीन, जैसे कभी तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, ओलावृष्टि हो गई, उनसे हम सेफ रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दीवार के साथ कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं कि इसके बीच में जो आपने बोला बात में कि इसके लिए स्पेशल सीड्स होते हैं जो इसके लिए हम यूज करते हैं। नहीं, स्पेशल सीड नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई भी चीज जो हम खेतों में उगाएंगे वो हाइड्रोपोनिकली उगाई जा सकती है। ठीक है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी फसल का चुनाव या उसके बीज का चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा बीज चुनो जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका डिमांड अच्छी हो मार्केट में। ठीक है। तो वो चुनाव बहुत जरूरी है। अगर हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स है, तो हमें अगर फ्रूट क्रॉप लगानी है जैसे टोमेटो है या कुकुम्बर है, हमें ध्यान ये रहना चाहिए कि हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का चुनाव करें। ठीक है डॉक्टर साहब, इधर तो हो गया सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि आपने बताया, अच्छा पॉइंट है जी, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसके लिए काम करते हैं वेक्टर चाहिए, इसके लिए तो आप वो खुद में ही काम कर जाएगा। तो एक डॉक्टर साहब ये बताओ कि इसके लिए जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो उसका कोई सोर्सेस है या कोई उसके लिए कोई स्पेशल कोई केमिकल फार्मूला या क्या होता है? ये बहुत अच्छा आपका एक क्वेश्चन है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत सारी कंपनियां फार्मूलेट करती हैं, बेच रही हैं, मार्केट में बेच भी रही हैं, लेकिन हमारी फार्मूलेशन अपनी है। बिल्कुल जी। हमने इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगा के रिसर्च की है, है ना। तो हमारी जो फार्मूलेशन है उनसे भिन्न है, तो हम उस फार्मूलेशन को अपने आप इस्तेमाल करके उसके न्यूट्रिएंट बना के लोगों को सप्लाई करते हैं। अरे वाह, है ना डॉक्टर साहब, ये तो आपका हो गया कि आपने इसके ऊपर कंसंट्रेशन बहुत लंबे टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसका ये बता सकते हैं कि फार्मर इजीली अप्रोच कैसे करें ये न्यूट्रिएंट लेने के लिए, क्योंकि फार्मर कई बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास हाइड्रोपोनिक ऑलरेडी प्रोजेक्ट था लेकिन वो फेल हुए, जस्ट वो हाइड्रो उसके लिए जो केमिकल कंपोजिशन थी उसको बेस्ट नहीं मिली। नहीं, बात ऐसे नहीं है बेस्ट की नहीं है, बात है उसको इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की। हम तो ये बोलेंगे नहीं, जो प्राइवेट कंपनी जो बाजार में बेच रही हैं हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हमारी जो कार्य प्रणाली है वो सही ना हो। हाँ, ये भी मेन पॉइंट है ना, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स अगर आप कोई भी चीज मिस कर रहे हैं, फिर एक बार फिर से दोहराऊंगा, प्रिसीजन फार्मिंग यानी प्रिसाइजली, प्रिसाइज का मतलब जो पौधे को चाहिए वो हम देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करते हैं, हम तो ज्यादातर अगर खेतों में करना चाहिए एनपीके पा दो, फलाना पा दो, ये कर दो ना, लेकिन हमारे केस में पीएच वैल्यू जो इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू वो बहुत इम्पोर्टेंट है, है उस पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं प्रिसाइज या प्रिसीजन फार्मिंग को
सफल बनाती है। एक क्वेश्चन और बन रहा है, मुझको लगता है कि फार्मर के माइंड में भी बन रहा होगा या कोई और कोई सुन रहा है जी, उनके माइंड में ये बन रहा होगा कि इसकी प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू ओपन फील्ड प्रैक्टिस। ऐसे है, अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, एक क्यों का जो शुरू में जवाब था वो यही है, क्योंकि इसमें अगर आप फ्रूट क्रॉप्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, खीरा, तो खीरा जो आप फील्ड में उगाएंगे कंपैरेटिवली उसके तुलनात्मक इसमें डबल खीरा प्रोड्यूस होता है, यानी उसमें 2.5 किलो एक प्लांट से आ रहा है तो इसमें 5 किलो आएगा, दैट टू क्वालिटी क्रॉप, क्वांटिटी में भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ के आएंगी, ठीक है, तो फार्मर की इनकम तो वैसे ही डबल हो जाएगी अगर हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से करें तो, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, बहुत ही इसके लिए पेशेंस चाहिए होते हैं, इसके लिए पिन नोटल पॉइंट होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग आप कब देते हैं और किन किन को देते हैं, कैसा उसका माध्यम होता है, तो प्लीज़ एक बार बता दो। कोई भी आदमी इसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए मतलब कर सकता है, जो हमारे यहाँ पे जो आज तक जो ट्रेनिंग हुई है जी, वो तो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो आउटगोइंग बच्चे हैं फाइनल ईयर के बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में वो भी आते हैं। एक चीज़ मैं सर इसके साथ ही बता दूँ कि मैं भी आपके साथ ऐसे ही मिला था कि ट्रेनिंग लेने आया था हाइड्रोपोनिक और मशरूम के ऊपर जी, तो याद है मुझे बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, उसका मेरे को इतना बेनिफिट मिला कि अभी हाइड्रोपोनिक के ऊपर ही काम करने वा रहे हैं फार्मर के, दैट्स वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब प्लीज इसके लिए और बताओ जी। तो और जैसे स्टूडेंट्स के अलावा क्या होता है, कई तो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने मेरे से MOU साइन करके रखा हुआ है जी, और इसके अलावा अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़, उनका जो एक ऑफिस है, उन्होंने अप्रोच किया था अभी लास्ट मंथ ही कि वो भी MOU साइन करने वाले हैं फार्मर को इस फील्ड में एनकरेज करने के लिए, और उनका मेन जो वर्क एरिया है वो यही है, हिमाचल का हो गया, पंजाब का हो गया, हरियाणा को हो गया, तो जितने भी फार्मर हाइड्रोपोनिक करना चाहते हैं वो उस ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, तो वो उनको आगे बताएंगे कि कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ, या फिर कोई प्राइवेट लेवल के ऊपर कोई कैंडिडेट करना चाहे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, है ना, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, या किसी भी तरह का जो ग्रुप है या संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या अपने आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सर एक चीज़ बताओ कि संपर्क का जो माध्यम होगा वो आपका जो वेबसाइट है ऑफिशियली यहाँ, उसका जो प्लीज एक बार रेफरेंस दें। हाँ, जो हमारा वेबसाइट है वो वेबसाइट है www.khanmushroom.com, इसके अंदर पूरी डिटेल्स उपलब्ध हैं, कैसे अप्रोच करना है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल के माध्यम से करना है या फ़ोन नंबर के माध्यम से करना है या जस्ट मैसेज छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ उपलब्ध है। आजकल तो डिजिटल है सारा युग, तो सभी कुछ डिजिटल है। डॉक्टर साहब, एक जाते जाते कोई मैसेज को फार्मर को प्लीज़ दे दो, और फार्मर को स्पेशली जो यूथ है उसके लिए। बस हम यही कहते हैं कि कोई भी काम करना है एग्रीकल्चर को कम ना आंकें, जो हमारा एग्रीकल्चर है ये बैकबोन है कंट्री की, क्योंकि अभी इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कॉरपोरेट कूद चुके हैं, तो इसकी पावर आप उन्हीं के कूदने से लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना पावरफुल है, तो जो भी करना है इसे कमर्शियली करो, ऐसे नहीं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को भूल के आप कमर्शियली साइंटिफिकली करो, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू। रसा आपदा जी, फिर तो मैं धन्यवाद कर दिया जी, इंटरव्यू के टाइम आपने हिंदी लैंगुएज की थी कि डॉक्टर साहब नाल साडा जिहड़ा हैगा फेरी कम्युनिकेशन होनी सी। किसान भरावो, जे तुहाडे किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हैगे माइंड दे विच, थल्ले पासे इनबॉक्स हैगा उहदे विच तुसीं अपने जिहड़े मैसेज टाइप कर दिया करो। जे किसी किसान भरा नूं किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए है, तुहानूं डॉक्टर साहब ने रैफरेंस देता भी उन्होंने वैबसाइट पर अप्रोच करो। हाइड्रोपोनिक कंसैप्ट जिहड़ा आ ये टैक्निकली आ, साइंटिफिकली आ, इहदे लई ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा लोड होती है, घर बह के वीडियो देख के नहीं गल बननी, ये तुहानू अप्रोच करनी पैनी है, अप्रोच तुसीं जरूर करो। तुहाडा जिहड़ा साडे नाल जुड़न का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी।